सो हेलो गाइस, जिस भी मजा आपका होस्ट दोस्त, और आज की इंटरेस्टिंग सी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने आईफोन के थ्रू अपना डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं अपने पीसी में, और पीसी के थ्रू अपनी पिक्चर्स, प्रोफाइल, जो भी आप यूज़ करना चाहें अपने मोबाइल में, वो ट्रांसफर कर सकते हैं अपने पीसी से अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप से अपने मोबाइल में। तो आइए देख लेते हैं ये किस तरह से पॉसिबल और क्या क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है और क्या क्या हमें चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद वीडियो। सो गाइस, बात कर लेते हैं कि हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट हमें आईफोन बॉक्स है और आई ट्यून्स है, और उसके बाद हमें एक डाटा केबल चाहिए जो कि आईफोन की है और हमें पीसी से कनेक्ट करती है या लैपटॉप से कनेक्ट करती है। तो ये हमें कुछ चीज़ें चाहिए, सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर, एक वायर और एक सॉफ्टवेयर। तो मेरे पास केबल भी मौजूद है और सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल है। सॉफ्टवेयर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और जो केबल है वो आपके पास ऑलरेडी होगी। तो वीडियो में जाकर पीसी में या लैपटॉप में देख लेते हैं कि किस तरह से हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हमें सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करने हैं। सो मूव ऑन पीसी स्क्रीन। सो गाइस, अपने मोबाइल को हम कनेक्ट कर लेते हैं जल्दी से, और ये हमने अपना मोबाइल कनेक्ट कर लिया। तो गाइस, अगर हम देखते हैं तो हमें माई पीसी में से ये स्टोरेज देखने को मिलती है। इसमें से हमें अगर हमने तो मोबाइल से डाटा कॉपी करना तो हम यहाँ से सिंपली कॉपी कर सकते हैं किसी भी जस्ट कॉपी पेस्ट। और उसके बाद अगर आपने अपने पीसी से अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र करना है तो वो यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं होगा, तो आपको उसके लिए इंस्टॉल करनी पड़ेगी एप्लीकेशन आईफोन बॉक्स, और इसके थ्रू आप अपने मोबाइल में से पीसी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं फाइल और इंपोर्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल में। देखें, जो हमारे पास सेलफोन है वो यहाँ पर शो हो रहा है, और अभी हमने इसमें से सपोज पिक्चर्स वगैरह एक्सपोर्ट करनी है या इंपोर्ट करनी है, और जैसे सिंपली जो भी पिक्चर आपको चाहिए वो आपने सेलेक्ट करनी है यहाँ से, और इसको सिंपली यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे तो जिस जगह पर देना हो तो आप जो एप्लीकेशन देंगे वहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएंगी। लाइक ये देखें, अभी इधर आना स्टार्ट हो चुकी है एक्सपोर्टिंग। एक वीडियो है, बाकी पिक्चर्स हैं कुछ। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल से अपने पीसी में अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अभी अगर आपको अपने पीसी में से कोई चीज़ अपने मोबाइल में मूव करनी हो तो आपने सिंपली इंपोर्ट पे क्लिक करना है, और जो भी प्राइस और जो भी आपकी फाइल की लोकेशन होगी वो आपने सेलेक्ट करनी है। सपोज हम ये इमोजीज और पिक्चर वगैरह करें तो ओपन करते हैं तो इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। कुछ ही सेकेंड्स में आपकी फ़ाइल मूव हो जाएगी आपके आईफोन में, आपके सेलफोन में। तो वेट करते हैं अपने फाइल्स को इम्पोर्ट होने तक। तो हमारी फाइल्स जो हैं वो इम्पोर्ट हो चुकी हैं अपने आईफोन में। और अभी हम बात करें, अगर आप किसी के अंदर अपने म्यूज़िक वगैरह को इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो भी इधर ऑप्शन मौजूद है। रिंग ट्यून्स आप कर सकते हैं, वॉइस मेमो जाएंगे, आपकी रिकॉर्डिंग जो हैं वो भी आ सकती हैं, वीडियोज़ भी इसके अंदर आप कॉपी कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। ये आईफोन की ऑफिशियल आईफोन बॉक्स एप्लीकेशन है। आप यहाँ से एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने इधर जो भी एप्लीकेशन देखें उसको आप जैसे करेंगे अलाउ, और वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल। गेम सेंटर भी है, और ये डिवाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। तो आप यहाँ जनरल स्टोरी भी देख सकते हैं कि अगर आपको कोई इसका बाईपास करना हो या कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये था कुछ छोटी सी वीडियो में आपको कि आप किस तरह से अपने डाटा ट्रांसफर करते हैं अपने पीसी में और पीसी से अपने मोबाइल में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।